हाँ जी क्लास, सो नेक्स्ट टॉपिक देखिए अपना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो देखो, इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, किस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हो? अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी फ्रॉम यू टू बी इज सेट टू बी इन्वर्टिबल इफ इट इज 1:1 ऑन टू एंड इनवर्स ऑफ टी इज टी इनवर्स फ्रॉम वी टू यू सच दैट टी इनवर्स ऑफ वी इज इक्वल टू यू इफ एंड ऑनली इफ टी ऑफ यू इक्वल टू वी। तो वो क्या बोल रहा है कि अगर कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी तक, सच दैट ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी 1:1 भी है, ऑन टू भी है, तब हम उस टी ट्रांसफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे? इन्वर्टिबल बोलेंगे। और उस टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का जो इन्वर्टिबल होगा, मतलब इन्वर्स होगा, वो कैसा होगा? उसको हम टी इन्वर्स से डिनोट करेंगे, जो कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ से कहाँ तक होगी? वी से यू तक होगी। और ये कैसे डिफाइंड होगी कि टी इन्वर्स लगेगी किस पे? इस वी वेक्टर स्पेस से किसी भी एलिमेंट वी पे। तो क्या आंसर मिलेगा? यू मिलेगा, सच दैट कि टी ऑफ यू किसके बराबर हो? वी के। तो बेसिकली टी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी कहां से कहां तक थी? यू से वी तक ना। तो यहां का अगर आप, ये टी ट्रांसफॉर्मेशन है, यहां से अगर आपको यू एलिमेंट लेंगे तो इसकी इमेज इस वी में क्या मिलेगी? टी ऑफ वी मिलेगी। तो टी इन्वर्स मैपिंग क्या है? उल्टी है। V के एलिमेंट को कहाँ पे मैप कर रही है? वो U पे मैप कर रही है ना। सच दैट कि अब आप देखो, V के एलिमेंट को U पे मैप कर रही है, तो मतलब आप V वेक्टर स्पेस से कोई एलिमेंट लेंगे स्मॉल v, तो इस पे जब T इनवर्स लगेगा तो हमें क्या मिलेगा? U एलिमेंट मिलेगा, सच दैट कि T ऑफ U लगने के बाद क्या आए? V आए। ठीक है, बेसिकली जो एलिमेंट टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर यहां से यहां मैप कर रहे थे, वही एलिमेंट टी इनवर्स लगने के बाद क्या करेंगे? उल्टे ये एलिमेंट यहां पे मैप कर जाएंगे। तो बस ये है, ठीक है, इनवर्स मतलब उल्टा मैपिंग। तो बस ये डेफिनेशन थी। नेक्स्ट देखो, इन्वर्टिबल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? देखो, ऑपरेटर मीनिंग से क्लियर हो रहा है, जो सेम वेक्टर स्पेस सेम वेक्टर स्पेस तक के लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन आप ले रहे हो, अ लीनियर ऑपरेटर टी फ्रॉम वी टू वी ऑफ अ वेक्टर स्पेस वी is said to be invertible if there exists an operator s from v to v such that st is equal to i is equal to ts। तो क्या बोल रहे हैं? देखो, इन्वर्टिबल ऑपरेटर किसको बोलते हैं? अगर आपका कोई टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम वी से वी, सेम वेक्टर स्पेस से सेम वेक्टर स्पेस तक, तो इसको आप इन्वर्टिबल कब बोलोगे? जब आपको एक और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाए एस वी से वी तक ही, सच दैट इन दोनों का प्रोडक्ट, मतलब जो आपने करा था ना कंपोजिशन, वो मतलब एस टी कर लो या टी एस कर लो, दोनों को प्रोडक्ट करने के बाद आपको कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन मिले? आइडेंटिटी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिले। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि टी हमारा इन्वर्टिबल ऑपरेटर है, और फिर ये जो एस है जो कि टी का इन्वर्स है, इसको आप किससे डिनोट करेंगे? टी इन्वर्स से। ठीक है, तो ये डेफिनेशंस थी। अब देख लीजिए थ्योरम। तो थ्योरम 6.9.1 क्या बोल रही है? लेट टी बी अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन यू टू वी बी इन्वर्टिबल। अगर टी एक इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब 1:1 भी है, ऑन टू भी है, एंड टी इनवर्स देखो कहां से कहां तक होता है, फिर वी से यू तक इसका इनवर्स है, देन टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो वो बोल रहा है कि अगर टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है यू से वी, जो कि इन्वर्टिबल है, अगर वो इन्वर्टिबल है तो इसकी इनवर्स वाली मैपिंग एग्जिस्ट करेगी टी इनवर्स, जो कि वी से यू तक डिफाइंड है। और ये डिफाइंड कैसे होती है, ये भी मैंने आपको बताया, सच दैट टी इनवर्स इज वी इक्वल टू यू व्हेन एवर टी ऑफ यू इक्वल टू वी। तो वो बोल रहे हैं जो टी इनवर्स वाली मैपिंग होती है ना, ये भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनती है। तो बेसिकली मुझे टी इनवर्स को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन शो करना। और आपको पता है किसी भी मैपिंग को आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कैसे शो करते थे, कि उस पर अगर आप ए यू प्लस बी वी एलिमेंट पे वो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ तो वो कैसे स्प्लिट हो जाए? ए इंटू टी ऑफ यू प्लस बी इंटू टी ऑफ वी। तो यहां पर आपको किसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है? टी इनवर्स को। तो देखो कैसे दिखाओगे, टू शो दैट टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना है आपको? कि टी इनवर्स ऑफ किसका? ए वी वन प्लस बी वी टू किसके बराबर आ जाए? ए इंटू टी इनवर्स ऑफ वी वन प्लस b इंटू टी इनवर्स ऑफ v2, टू वेयर ए बी कहां से होंगे? फील्ड f में से। और v1 v2 कहां से होंगे? डोमेन से। किसकी? t इनवर्स की। और t इनवर्स की डोमेन क्या है? v, मतलब v1 v2 कहां से आ रहे हैं? v से। बट नाउ अभी मुझे प्रूफ करना है, सिंस वी नो दैट t जो है, जो कि u से v तक की लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो 1:1 भी है, ऑन टू भी है, एंड सिंस ये टी ऑन टू है, देयर फोर इसका मतलब क्या है? ऑन टू का मतलब क्या होता है कि आप इधर से को डोमेन से कोई भी एलिमेंट्स लेंगे, वी वन वी टू कुछ भी, उनकी क्या मिलेंगी? कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको यू वेक्टर स्पेस में एलिमेंट्स मिलेंगे, सच दैट उन पे टी मैपिंग लगने के बाद वो किस पे मैप होंगे? वी वन और वी टू पे। तो सिंस टी इज ऑन टू, देयर फोर फोर वी वन कोमा वी टू बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट यू वन एंड यू टू बिलोंग्स टू यू सच दैट टी ऑफ यू वन किसके बराबर होगा? वी वन के। एंड टी ऑफ यू टू किसके बराबर होगा? वी टू के। अब देखो, अगर टी ऑफ यू वन किसके बराबर है? वी वन के, तो इसका मतलब
U1 किसके बराबर है? T इनवर्स ऑफ V1। ऐसे ही मैपिंग डिफाइंड होती है ना T इनवर्स वाली, कि अगर T ऑफ U इक्वल टू V है तो इसका मतलब T इनवर्स ऑफ V किसके बराबर होगा? U के। तो अगर T ऑफ U1 V1 के बराबर है तो U1 किसके बराबर है? T इनवर्स ऑफ V1। सिमिलरली T ऑफ U2 अगर V2 के बराबर है तो U2 किसके बराबर होगा? T इनवर्स ऑफ V2। ठीक है। एंड ऑल्सो क्योंकि T लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो अगर आप कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं AU1 प्लस BU2 टाइप का फ्रॉम U वेक्टर स्पेस, तो इस पे T लगने के बाद ये कैसे खुल जाएगी? A इंटू T ऑफ U1 प्लस B इंटू T ऑफ U2, बिकॉज T इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फिर T ऑफ U1 तो V1 के बराबर है और T ऑफ U2 किसके बराबर है? V2 के। तो बेसिकली T ऑफ U1 प्लस BU2 किसके बराबर आ गया? AB1 प्लस BB2 के। फिर से क्या हो रहा है, देखो T लगने के बाद इस एलिमेंट पे आपको ये एलिमेंट मिला है तो मतलब ये एलिमेंट किसके बराबर होगा? इसके इनवर्स के, है ना। बेसिकली AU1 प्लस BU2 फिर किसके बराबर होगा? T इनवर्स ऑफ AV1 प्लस BV2। तो T इनवर्स ऑफ AV1 प्लस BV2 इक्वल टू AU1 प्लस BU2। U1 और U2 की वैल्यू डाल दो, U1 किसके बराबर है? T इनवर्स ऑफ V1, और U2 किसके बराबर है? T इनवर्स ऑफ V2। तो बेसिकली T इनवर्स ऑफ AV1 प्लस BV2 किसके बराबर आ गया है? A इंटू T इनवर्स ऑफ V1 प्लस B इंटू T इनवर्स ऑफ V2। देयरफॉर T इनवर्स क्या बन गया? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हेंस प्रूफ। नाउ सी नेक्स्ट थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम क्या बोल रहा है, देखिए थ्योरम क्या बोल रही है, कि इफ T1 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U टू V एंड T2 इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम V टू W, आर टू इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। दोनों ही इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब दोनों ही लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है ही, और साथ साथ 1-1 एंड 1-2 भी है। देन T2 T1, मतलब जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, कंपोजिशन है, मैपिंग जो आएगी वो भी इन्वर्टिबल होगी। एंड इस मैपिंग का जो इन्वर्स होगा, T2 T1 का इन्वर्स किसके बराबर होगा? T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स। ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले तो मुझे T2 T1 को पहले तो इन्वर्टिबल प्रूफ करूंगी। इन्वर्टिबल मतलब इसको मुझे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी प्रूफ करना है, 1-1 भी और 1-2 भी। और किन्हीं भी दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, अगर T1 U से V है, T2 V से W है, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता था T2 T1, ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती थी, ये आप प्रूव कर चुके हैं ना जब हमने कंपोजिशन पढ़ा था स्टार्टिंग में। तो T2 T1 ऑब्वियसली लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो है। अब मुझे इसको क्या प्रूफ करना है इन्वर्टिबल के लिए? मुझे इसको 1-1 दिखाना और 1-2 दिखाना। और ये जो T2 T1 होती थी, मैपिंग कहां से कहां तक होती थी भाई? U से W तक, है ना। ये सब कुछ बता चुकी हूं मैं प्रीवियस लेक्चर्स में। तो T2 T1 आपकी U से W वाली मैपिंग है, मुझे इसको 1-1 दिखाना है, 1-2 दिखाना है। देखो 1-1 किसी भी मैपिंग कैसे दिखाते हो, कि अगर कोई दो एलिमेंट आप लेंगे x, y कहां से? U से, सच दैट इनकी इमेजेस बराबर है। मतलब T2 T1 लगने के बाद जो x की इमेज आएगी और y की, वो दोनों बराबर है, तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? x और y भी आपस में बराबर आएंगे। तो क्या ले लिया मैंने? T2 T1 ऑफ x इक्वल टू T2 T1 ऑफ y। फिर आपको पता है कि हमारी जो कंपोजिशन वाली मैपिंग थी T2 T1 किसी एलिमेंट पे लगने के बाद, लाइक दिस T2 T1 ऑफ U कैसे खुलती थी? ये T2 ऑफ T1 ऑफ U ऐसी खुलती थी। तो खोलूंगी क्या बन जाएगी? T2 ऑफ T1 ऑफ X इक्वल टू T2 ऑफ T1 ऑफ Y। ये डेफिनेशन से गई हूं मैं। फिर देखो ये क्या समझ आ रहा है, कि T2 लगने के बाद इस एलिमेंट पे इक्वल टू T2 लगने के बाद इस एलिमेंट पे, मतलब T2 ऑफ T1 ऑफ X इक्वल टू T2 ऑफ T1 ऑफ Y आया है। तो क्योंकि T2 क्या है आपकी भाई? 1-1 भी है, 1-2 भी है। और अगर T2 1-1 है, इसका मतलब T2 ऑफ कुछ भी, लाइक T2 ऑफ U इक्वल टू T2 ऑफ V हो रहा होगा, तो मतलब U और V को बराबर होना पड़ेगा, नहीं तो 1-1 की डेफिनेशन है। तो सिंस T2 मेरा 1-1 है, देयरफॉर T1 ऑफ X, ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल। तो T1 ऑफ X इक्वल टू T1 ऑफ Y आ गया। फिर से T1 ऑफ X इक्वल टू T1 ऑफ Y है, तो क्योंकि T1 मेरी 1-1 है, तो X को भी किसके इक्वल होना पड़ेगा? Y के। तो फाइनली आपने क्या लेके चले थे? T2 T1 ऑफ X इक्वल टू T2 T1 ऑफ Y लेके चले थे। क्या आ गया है? X इक्वल टू Y, देयरफॉर आपकी T2 T1 क्या बन गई है? 1-1। अब मुझे इसको ON2 दिखाना है। तो क्योंकि T2 T1 कहां से कहां तक मैपिंग है भाई? U से W की। अब ON2 का मतलब क्या है, कि यहां से W से मैं एक एलिमेंट लेके चलूं, कोई भी रैंडम W, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली मुझे U वेक्टर स्पेस में एक एलिमेंट मिलना चाहिए U, सच दैट T2 T1 ऑफ U किसके बराबर आना चाहिए? T2 T1 ऑफ U किसके बराबर आना चाहिए? W के। ये मेरा टारगेट है। तो देखो पहले तो क्योंकि W W से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो देखो अब इसको दो हिस्सों में लेके चलेंगे। T1 कहां से कहां तक की मैपिंग थी? U से V, और T2 कहां से कहां तक थी? V से W, और ये दोनों ही आपस में 1-1 भी है और 1-2 भी है। तो अब मैंने क्योंकि W एलिमेंट कहां से उठा के चला है? W से, है ना। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली V में तो एक एलिमेंट मिलेगा ना, स्मॉल V, सच दैट T2 ऑफ V इक्वल टू W होगा, क्योंकि T2 कैसी मैपिंग है आप लोगों की? ON2। तो इफ W बिलोंग्स टू W, देन सिंस T2 इज ON2, देयर एग्जिस्ट सम V बिलोंग्स टू V, सच दैट T2 ऑफ V इक्वल टू W, ठीक है। अगेन
T1 मैपिंग कहां से कहां तक थी भाई, U से V, ये भी गॉन टू मैपिंग है। देयर एग्जिस्ट, अब देखो ये जो एलिमेंट है आपका V, ये V किससे लिया था आपने, V वेक्टर स्पेस से, तो T1 मैपिंग U से V है, तो ये V एलिमेंट इस V में भी तो होगा, ठीक है। अब क्योंकि T1 भी ओन टू है मेरी, तो अगर आपने एक एलिमेंट लिया है इसकी कोडोमेन से, मतलब V से एक एलिमेंट लिया है V, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको फाइनली एक एलिमेंट मिलेगा U, कहां से, U वेक्टर स्पेस में से, सच दैट T1 ऑफ U किसके बराबर होगा, V के। तो फाइनली आपके पास क्या आया, देखो T1 ऑफ U इक्वल टू V। और आप दोनों तरफ T2 मैपिंग लगा दो, लगा सकते हो ना, क्योंकि T2 मैपिंग कहां से कहां तक है आपकी, V से W तक की। और ये जो आपका T1 ऑफ U एलिमेंट आया है, ये किसका एलिमेंट है भाई, U कहां का एलिमेंट था, यहां का, तो T1 ऑफ U कहां का है, V वेक्टर स्पेस का ना, और V वेक्टर स्पेस का है ना, तो T1 ऑफ U और V दोनों कहां से हैं, V से हैं, और ये आपस में बराबर भी हैं, T1 ऑफ U इक्वल टू V। और क्योंकि देखो T2 एक फंक्शन है, ये तो आपकी देखो वेल डिफाइंड वाली कंडीशन होती थी, अगर कोई एक फंक्शन है मान लो फ्रॉम X स्पेस टू Y, ठीक है, और अगर यहाँ के कोई दो एलिमेंट इक्वल है, मान लो X इक्वल टू Y, दोनों इस X से बिलोंग कर रहे हैं, तो f ऑफ X इसके इक्वल होगा f ऑफ Y के। ये क्या होती है आपकी वेल डिफाइंड वाली कंडीशन होती है, कि फंक्शन है या नहीं उसमें आप लोग चेक करते थे ये, ठीक है, तो फंक्शन तो है ही नहीं ये सब। तो क्योंकि देखो T1 ऑफ U इक्वल टू V है, और T1 ऑफ U इक्वल टू V, दोनों एलिमेंट किसके, इस V वेक्टर स्पेस के, तो क्योंकि T2 मेरी फंक्शन है, तो यहाँ पर मैं दोनों तरफ T2 अप्लाई कर सकती हूँ, तो क्या हो जाएगा, T2 ऑफ T1 ऑफ U इक्वल टू T2 ऑफ V, ठीक है। तो T2 ऑफ T1 ऑफ U का मतलब क्या होता है, T2 T1 ऑफ U है ना, ये डेफिनेशन होती है आपकी कंपोजिशन की, इक्वल टू T2 ऑफ V, और T2 ऑफ V किसके बराबर है, W के। तो फाइनली ये आ गया, तो क्या हुआ, W एलिमेंट लिया आपने W वेक्टर स्पेस से, उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली आपको U एलिमेंट मिला है U वेक्टर स्पेस से, सच दैट T2 T1 ऑफ U किसके बराबर आ गया, W के। देयरफॉर T2 T1 क्या हो गई है, ओन टू भी हो गई है। तो देयरफॉर T2 T1 को आपने ओन टू भी दिखा दिया, 1-1 भी दिखा दिया, देयरफॉर T2 T1 क्या बन गई है, इन्वर्टिबल बन गई है, मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। और अब इसका जो इन्वर्स होगा T2 T1 का, आप इन्वर्स क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं, T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स दिखाना है आपको, ठीक है। तो देखो आपको अगर किसी को ये दिखाना हो, मान लो आप चाहते हैं कि मैं दिखाऊं कि T का इन्वर्स S है, तो आप कैसे दिखा देंगे, कि इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, या S इंटू T कर लो या T इंटू S कर दो, वो क्या आ जाए, I आ जाए। तो यही मैं यहां पर कर रही हूं, मुझे क्या दिखाना है, T2 T1 का इन्वर्स किसके बराबर दिखाना है, T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स। तो मैं क्या दिखाऊंगी, इन दोनों का प्रोडक्ट T2 T1 इंटू T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, I के। और सिमिलरली T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स का प्रोडक्ट किसके साथ, T2 T1 के साथ क्या दिखा दूंगी, I। अगर ऐसा हो गया तो मतलब ये दोनों आपस में क्या, एक दूसरे के इन्वर्स, मतलब T2 T1 का इन्वर्स किसके बराबर आ जाएगा, T1 इन्वर्स इंटू T2 इन्वर्स, ये प्रूफ हो जाएगा। तो लेके चलो एक बारी, T2 T1 का प्रोडक्ट कर रही हूँ T1 इन्वर्स T2 इन्वर्स के साथ, तो ये कैसे खुल जाएगा, देखो ये ब्रैकेट में एसोसिएट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, T2 ऑफ T1 T1 इनवर्स T2 इनवर्स। और T1 इंटू T1 इनवर्स क्या हो जाएगा, किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, T1 को T1 इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या आएगी, आइडेंटिटी तो डेफिनेशन होती है इनवर्स की, तो क्या बनेगा, T2 इंटू ये क्या हो जाएगा, I इंटू T2 इनवर्स। फिर से आइडेंटिटी से किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन को मल्टीप्लाई करोगे तो वही ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, तो क्या आएगा, T2 इंटू T2 इनवर्स, तो T2 इंटू T2 इनवर्स फिर से क्या बन जाएगा, I। तो फाइनली इन दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया, I। सिमिलरली इसका और इसका प्रोडक्ट करेंगे T1 इनवर्स T2 इनवर्स इंटू T2 T1, तो देखो फिर से पहले ये दोनों आई बन जाएंगे, और फिर T1 इनवर्स इंटू T1 क्या बन जाएंगे, फिर से आई बन जाएंगे, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी आई आ जाएगा। तो फाइनली आप लोग क्या दिखा चुके होंगे, कि इसका इनवर्स भी ये है, इसका इनवर्स भी ये है ना, तभी इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी आ रहा है। देयरफॉर T2 T1 का होल इनवर्स इक्वल टू T1 इनवर्स इंटू T2 इनवर्स हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट थ्योरम देखो, अगर T1 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है U से V तक, T2 एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से W तक, देन रैंक ऑफ T2 T1 जो इन दोनों की प्रोडक्ट वाली कंपोजिशन वाली मैपिंग आती है T2 T1, इसका रैंक वो क्या बोल रहा है, लेस देन इक्वल टू होता है किसके, रैंक ऑफ T2 के। और सेकंड पार्ट बोल रहा है कि रैंक ऑफ T2 T1 बराबर हो जाता है रैंक ऑफ T1 के, तब जब हमारा T1 क्या हो, इन्वर्टिबल मैपिंग होगी तब, या फिर नॉन सिंगुलर मतलब 1-1 होगी तब भी ऐसा हो जाएगा। देखो कैसे प्रूफ करना है, तो देखो T2 T1 पहली बात है, मैपिंग कहां से कहां तक होती है, U से W तक, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग प्रूफ कर चुके हैं शुरू में ही। तो देखो, और ये डिफाइंड कैसे होती है, T2 T1 ऑफ इस U पे, U वेक्टर स्पेस से कोई भी एलिमेंट पे T2 T1 मैपिंग कैसे होती है, T2 T1 ऑफ U किसके बराबर होगा, T2 ऑफ T1 ऑफ U, फॉर U बिलोंग्स टू U, ये हमारी डेफिनेशन होती है। अब देखो ये जो रैंक ऑफ T1 और रैंक ऑफ T2 ये क्या होते हैं, रैंक ऑफ T1 क्या है, जो हमारी T1 मैपिंग है U से V, इसका रेंज स्पेस, मतलब रेंज स्पेस ऑफ T1 या फिर T1 ऑफ U, ये भी मैंने आपको बताया था सेम बात होती है,
तो रैंक स्पेस ऑफ T1 के रैंक के बराबर है, डायमेंशन के बराबर है ना। रैंक ऑफ T1 क्या है? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T1। सिमिलरली रैंक ऑफ T2 क्या है? रेंज स्पेस ऑफ T2 के बराबर। ठीक है, तो रैंक ऑफ T1 इज डायमेंशन ऑफ R ऑफ T1 एंड रैंक ऑफ T2 किसके बराबर है? डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। ये तो हमें पता ही है। और इसी तरह से रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 मतलब रैंक ऑफ T2 T1 किसके बराबर होगा? रेंज स्पेस ऑफ T2 T1। ठीक है, जो कि कैसे लिखूंगी? R ऑफ T2 T1, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? T2 T1 ऑफ U। ये भी मैंने बताया था ना, अगर T कोई मैपिंग है, देखो U से V तक, तो रेंज स्पेस ऑफ T, R ऑफ T बोल दो या T ऑफ U बोल दो, एक ही बात है। मतलब T लगा दो इस पूरे डोमेन पे, है ना। तो इसी तरह रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 का मतलब क्या है? T2 T1 ऑफ T2 T1 मैपिंग की डोमेन क्या थी भाई? यू से डब्ल्यू ना, यू थी मतलब T2 T1 ऑफ U, एक ही बात है। फिर T2 T1 ऑफ U कैसे खुलेगा? T2 ऑफ T1 ऑफ U। ठीक है, फिर T1 ऑफ U देखो क्या है? T1 मैपिंग थी U से V तक, तो T1 ऑफ U मतलब इस U डोमेन पे जब T1 मैपिंग लगेगी तो ये रेंज होती थी। रेंज किसका हमेशा देखो सबस्पेस बनता था? को डोमेन का ना, मतलब V का। तो ये T1 ऑफ U किस में कंटेंट होगा? V में, बिकॉज ये लोग हम जानते हैं ना कि डेफिनेशन होती थी कि रेंज स्पेस क्या होता था? को डोमेन का सबस्पेस। तो ये T1 ऑफ U देखो किस में कंटेंट है? V में। तो T2 ऑफ T1 ऑफ U किस में कंटेंट हो जाएगा? T2 ऑफ V में, क्योंकि ये किस में कंटेंट है? V में। तो ये किसका सबस्पेस हो जाएगा? T2 ऑफ V का। तो फाइनली क्या आ गया है? रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 इज कंटेंड इन T2 ऑफ U का मतलब क्या है अब बताओ? सॉरी, T2 ऑफ V का मतलब T2 मैपिंग कहां से कहां तक थी? V से W। तो T2 ऑफ V क्या है? रेंज स्पेस है किसका? T2 का। तो बेसिकली रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 किस में कंटेंट हो गया? रेंज स्पेस ऑफ T2 में, यहां से, है ना, क्योंकि T2 ऑफ V किसके बराबर है? रेंज स्पेस ऑफ T2 के। ठीक है, और अब कोई भी सबस्पेस किसी, जैसे U अगर कंटेंट होता है V में, तो डायमेंशन ऑफ U इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V होता है। ये हमारी थ्योरम थी एक। तो क्योंकि रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 कंटेंट दिखा दिया मैंने रेंज स्पेस ऑफ T2 में, इसका मतलब डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 क्या होगा? लेस देन इक्वल टू होगा डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2। और डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 T1 क्या है? रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन इक्वल टू डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस ऑफ T2 क्या होता है? रैंक ऑफ T2। तो हेंस ये प्रूफ हो गया। तो देखो पिछली जितनी भी डेफिनेशन है थ्योरम से, भाई उन्हीं डेफिनेशन से सारी चीजें प्रूफ हो रही हैं। तो सबका बस मिक्सअप आ गया है, तो वो सब चीजें क्लियर होनी चाहिए, वरना क्लियर नहीं होगा। सब सेम चीजें रिपीट हो रही हैं। देखो अब सेकंड पार्ट में बोल रहे हैं कि अगर अब मेरी T1 इन्वर्टिबल मैपिंग है, तब जो रैंक होता है T2 T1 का, वो किसके बराबर हो जाता है? रैंक ऑफ T2 के। तो देखो अब क्योंकि आपने यहां से ये तो दिखाई चुकी कि रैंक ऑफ T2 T1 क्या है? लेस देन इक्वल टू है रैंक ऑफ T2। अगर आप नेक्स्ट पार्ट में ये दिखा दो कि रैंक ऑफ T2 इज लेस देन इक्वल टू है रैंक ऑफ T2 T1, तो इन दोनों से, अब देखो ऐसा होता है ना, अगर A इज लेस देन इक्वल टू B, B इज लेस देन इक्वल टू, ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब A और B आपस में बराबर हो। तो उस चीज से मैं इसको प्रूफ करूंगी। तो मुझे अब क्या दिखाना है कि रैंक ऑफ T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1 दिखाना है। तो देखो क्योंकि अब मुझे T1 इन्वर्टिबल दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है? T1 का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। T1 इन्वर्स एग्जिस्ट, अब लेके चलो रैंक ऑफ T2। अब रैंक ऑफ T2 इक्वल टू, देखो T2 को मैं क्या ले सकती हूँ? T2 इनटू T1 और T1 इन्वर्स, क्योंकि देखो T1 T1 इन्वर्स तो आइडेंटिटी बन जाएगा ना, और किसी भी मैपिंग को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करो तो वही मैपिंग मिल जाती है। तो मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो रैंक ऑफ T2 इक्वल टू रैंक ऑफ T2 इनटू T1 इनटू T1 इन्वर्स लिख सकते हो। फिर एसोसिएट प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो क्या बन जाएगा? T2 T1 इनटू T1 इन्वर्स। ठीक है, फिर यहां से क्या आ जाएगा? देखो रैंक ऑफ दिस इनटू दिस, अभी हमने इस फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूफ करा है? रैंक ऑफ T2 T1 लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ T2, मतलब दो मैपिंग के प्रोडक्ट का रैंक लेस देन इक्वल टू होता है रैंक ऑफ फर्स्ट मैपिंग। तो वही अगर यूज करोगे तो रैंक ऑफ T2 T1 इनटू T1 इनवर्स, ये किससे लेस देन इक्वल टू होगा? रैंक ऑफ T2 T1 के। तो अब देखो इन दोनों को यूज कर लो, यहां से क्या आ गया? रैंक ऑफ T2 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2 T1, और फर्स्ट पार्ट से क्या आया था? रैंक ऑफ T2 T1 इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ T2। तो दोनों को कंबाइंड कर दो, यहां से क्या आ जाएगा? रैंक ऑफ T2 T1 इक्वल टू रैंक ऑफ T2। तो ये तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि T1 इन्वर्टिबल थी, तभी आप इसको ऐसे लिख पाए हो, क्योंकि T1 अगर इन्वर्टिबल तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये थ्योरम थी। तो सारी थ्योरम्स खत्म हो गई हैं। अब देखो इसके बेस पे एक एग्जांपल। टी देखो एक मैपिंग है R³ से R³, एक लीनियर ऑपरेटर है। ये डिफाइन कैसे है कि टी लगने के बाद R³ के एलिमेंट्स पे टी ऑफ x, y, z क्या इमेज मिलती है इस R³ में? x+z, x-z, y। मुझे क्या शो करना है? इस टी को मुझे इन्वर्टिबल शो करना है, और फिर इसका इन्वर्स वाली मैपिंग फाइंड भी करनी है। अब आपको मालूम है ना, किसी भी मैपिंग को देखो टी इन्वर्टिबल,
ये टी मैपिंग इन्वर्टिबल कब होगी, जब ये वन वन भी होगी और ऑन टू भी होगी, क्योंकि लीनियर ऑपरेटर दे ही रखा है ना, मतलब लीनियर ट्रांसमिशन तो ये है। मुझे इसको क्या दिखाना है, वन वन और ऑन टू, तो पहले टी को वन वन और ऑन टू दिखा दो। अगर ऐसा दिखा दिया आपने तो क्या मिल जाएगी आपको, टी की इनवर्स मैपिंग, मतलब टी इन्वर्टिबल होगा। तो पहले आप लोग क्या शो करेंगे, दस टू शो दैट, देखो पहले तो ये बोल रहा है, वी नो दैट अ लीनियर ट्रांसमिशन इज इन्वर्टिबल। कब इन्वर्टिबल होती है, इफ एंड ओनली इफ इट इज वन वन एंड ओन टू। Thus to show that T is invertible, we have to show that T 1-1 भी है और ओन टू भी है। तो पहले T को 1-1 दिखाओ, 1-1 कैसे दिखाओगे, T मैपिंग कहाँ से कहाँ तक है, R क्यूब से R क्यूब। 1-1 आप लोग कैसे दिखाते हैं, दो एलिमेंट्स लेंगे U1 U2 कहाँ से, R क्यूब से, सच दैट इनकी इमेजेस T ऑफ U1 किसके बराबर है, T ऑफ U2 के। और क्योंकि U1 R क्यूब से लिया तो वो किस टाइप का होगा, कुछ टपल टाइप का होगा ना, X1 Y1 Z1। सिमिलरली U2 भी R क्यूब से लिया तो वो क्या होगा, कुछ X2 Y2 Z2 टाइप का। और क्योंकि 1-1 दिखाना है तो T ऑफ U1 इक्वल टू T ऑफ U2 लेके चले हो, तो T ऑफ U1 क्या है, X1 Y1 Z1 इक्वल टू T ऑफ X2 Y2 Z2। फिर अपनी डेफिनेशन यूज करो, टी ऑफ एक्स वाई जेड किसके बराबर है, एक्स प्लस जेड कोमा एक्स माइनस जेड कोमा वाई। तो ये कैसे खुलेगा, टी ऑफ एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स वन प्लस जेड वन कोमा एक्स वन माइनस जेड वन कोमा वाई वन इक्वल टू टी ऑफ एक्स टू वाई टू जेड टू कैसे खुलेगा, एक्स टू प्लस जेड टू कोमा एक्स टू माइनस जेड टू कोमा वाई टू। फिर कंपेयर करके इक्वेट करो, सॉल्व करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, वाई वन इक्वल टू वाई टू, जेड वन इक्वल टू जेड टू। इसका मतलब क्या है, अगर एक्स वन एक्स टू के बराबर आ गया, वाई वन वाई टू के, जेड वन जेड टू के, मतलब यू वन किसके बराबर आ जाएगा, यू टू के ही बराबर आ जाएगा। तो टी ऑफ यू वन इक्वल टू टी ऑफ यू टू लेके चले, यू वन इक्वल टू यू टू आ गया, मतलब टी क्या आ गई है, वन वन। सिमिलरली मुझे शो करना है नेक्स्ट टी को ओन टू। अब ओन टू का मतलब क्या है, टी मैपिंग है आर क्यूब से आर क्यूब। ओन टू कैसे शो करते हो, कि आप कोई भी एलिमेंट यहां से लोगे को डोमेन से, तो फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, देयर एग्जिस्ट सम, कोई एलिमेंट मिलना चाहिए आर क्यूब का, मतलब डोमेन का, कुछ आर एस कोमा टी टाइप का टपल, सच दैट इस एलिमेंट पे टी लगने के बाद क्या आना चाहिए, ये एक्स वाई जेड है ना। तो फोर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, देयर एग्जिस्ट सम R, S, T belongs to R cube such that T of R, S, T equal to X, Y, Z। फिर T of R, S, T कैसे खुलेगा, ये इस डेफिनेशन से R plus T, R minus T, S equal to X, Y, Z। ठीक है, अब ओन टू का मतलब क्या, आपको ऐसे ही R, S, T की वैल्यूज मिल जाए है ना, इस X, Y, Z के कॉरेस्पॉन्डिंगली। तो इनको इक्वेट करो, R plus T equal to S, R, T माइनस वाई इक्वल टू वाई एंड एस इक्वल टू जेड। सोल्व करो, क्या आप आर टी जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, Z की वैल्यू यहीं से आ गई R के बराबर, इनको सोल्व करो, सॉरी आपको आर एस टी की वैल्यूज निकालनी। ठीक है, देखो सॉल्व करो, पहले तो देखो इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को जब आप क्या कर लेंगे, डायरेक्टली एड कर देंगे, तो टू आर इक्वल टू एक्स प्लस वाई, मतलब R की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स प्लस वाई अपॉन टू। सिमिलरली इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ठीक है, T इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन टू। देखो यहाँ पे गलती है, ये S इक्वल टू जेड होगा, ठीक है, और S की वैल्यू तो डायरेक्ट Z है, तो आपको मिलगी ना तीनों की वैल्यू, R की वैल्यू मिलगी एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एस की वैल्यू मिलगी Z, और T की वैल्यू मिलगी X माइनस वाई अपॉन टू। तो आपको R S T की वैल्यू मिल गई इन X Y Z के कॉरेस्पॉन्डिंगली, देयरफॉर T मैपिंग क्या है आपकी, ओन टू है। ठीक है, फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर क्यूब, देयर एग्जिस्ट आर कोमा एस कोमा टी बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट टी ऑफ आर कोमा एस कोमा टी किसके बराबर है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, वेयर आर क्या है आपका एक्स प्लस वाई अपॉन टू, एस क्या है जेड, और टी क्या है एक्स माइनस वाई अपॉन टू, देयरफॉर टी ऑन टू भी है। तो इसका मतलब इस मैपिंग का क्या एग्जिस्ट कर रहा है, इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और देखो इनवर्स क्या होगा मैपिंग का, टी इनवर्स मैपिंग कहां से कहां तक होगी, आर क्यूब से आर क्यूब की ही होगी है ना, यहां से यहां तक की, सच दैट ये मैपिंग कैसे डिफाइंड होती थी भाई, टी इनवर्स इस पे लगने के बाद किसके बराबर हो, इसके बराबर हो, वेयर टी ऑफ यू किसके बराबर होता है, वी के। तो देखो जब आप ऑन टू प्रूफ करेंगे तो यही आपने प्रूफ करा ना, टी ऑफ आर कोमा एस कोमा टी किसके बराबर है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड के। ठीक है, तो इसका इनवर्स क्या होगा, टी इनवर्स ऑफ एक्स कोमा वाई जेड इक्वल टू आर कोमा एस कोमा टी, और आर एस टी की वैल्यूज आप लोग निकाल चुके होंगे ऑन टू प्रूफ करते हुए, तो वो तीनों वैल्यूज पुट करो, मतलब ये आपकी टी इनवर्स वाली मैपिंग है। तो इस तरह से आपको ये वाले क्वेश्चंस करने हैं, जब भी आपको मैपिंग इन्वर्टिबल प्रूफ करना है तो पहले वन वन ऑन टू दिखाओ और फिर उस मैपिंग का इनवर्स आप लोगों ने इस तरीके से निकालना है, बस सिंपल है। टी ऑफ आर को मैस टी इक्वल टू एक्स वाई जेड, तो इनवर्स मैपिंग क्या होगी, बस इसको बाहर ले जाना और आर एस टी की वैल्यू पुट कर देना जो आपने ऑन टू करते वक्त प्रूफ निकाली होंगी। ठीक है, तो बस अब एक्सरसाइज 6.3 में तीन क्वेश्चन देखो यही बोल रहा है, इन्वर्टिबल प्रूफ करो और फिर टी इनवर्स निकालो, इन्वर्टिबल प्रूफ करो टी इनवर्स निकालो। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल 1 बताया है उसी से बिल्कुल ये हो जाएगा, और इसकी ये तीन थ्योरम्स थी। ठीक है, सिंपल सिंपल सी, तो बस इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, तो आपका 6th चैप्टर कंप्लीट हो गया है। जो भी आपके इनके रिगार्डिंग डाउट्स हैं वो ग्रुप पे मेंशन करते रहो, ठीक है, मैं बताती जाऊंगी साथ साथ। थैंक यू।